हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लाए हैं एक नया प्रोडक्ट जो कि कैंडल्स हैं। हमने ये कैंडल्स जो थी वो मीशो से ऑर्डर की थी। मीशो भी एक अच्छी एक शॉपिंग साइट है। बेसिकली ये सेंटेड कैंडल्स मंगवाने का मेरा एक ही पर्पस था कि मुझे चेक करना था कि जनरली वैसे मैं अपने रूम में अलग तरह का जो है एक एयर फ्रेशनर यूज़ करती हूँ, बट मुझे था कि एक बार लेट्स सी चेक करते हैं कि एक सेंटेड कैंडल्स एक्चुअली में इतना वर्क करती है नहीं करती है। मैं भी मॉल में गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ पर मैंने बॉडी शॉप की कैंडल देखी थी जिसकी जो कॉस्ट थी वो आई गेस 2,300 रुपीज़ थी, विच वॉज वेरी कॉस्टली। सो आई वॉज थिंकिंग इतना तो मैं नहीं इन्वेस्ट करने वाली इसके ऊपर, बिकॉज वर्थ नहीं होती है उस चीज़ की। तो मैंने चेक किया अमेजोन पे भी एंड देन मैंने मीशो पे भी चेक किया, और मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँगी रीजनेबल कह लो या बहुत चीप रेट कह लो, अमाउंट था, बहुत मिनिमल सा रेट था, जो कि मुझे पैक ऑफ थ्री था। अगर आप देख पा रहे हैं ये ऑरा का है और सेट ऑफ थ्री सेंटेड ग्लास इसमें मेंशन किया हुआ है, और अगर ये देखेंगे यहाँ पर तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। वैसे इसका ये तीन कैंडल्स अगर आप देख पा रहे हैं, ये तीन पैक ऑफ थ्री था, और इसकी जो फ्रेगनेंस थी वो वनीला का जो था वो एक फ्लेवर था, और मतलब अच्छे रिव्यूज भी डले हुए थे। 183 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है सेट ऑफ थ्री। तो अभी जस्ट इसको लाइक अभी हमने जस्ट जलाया है इसको, और ये अभी आई गेस 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसको जलाए हुए। अगर मैं जनरली फ्रेगनेंस की बात करूँ ना, तो आई गेस टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी तो पर्सनली नहीं आई है कोई ऐसी फ्रेगनेंस की मैं बोलूँ कि मुझे वनीला का कोई फ्रेगनेंस फील हो रही है इसमें। बट हाँ ठीक है, अगर मैं जनरली बात करूँ, इसके ग्लास के अंदर आया है, डेकोरेटिव सा पीस है, जैसे कि दिवाली आ रही है तो आप फेस्टिवल सीजन में इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और यस, किसी भी कैंडल का जो अरोमा होता है ना वो एकदम से फील नहीं होता, शायद यही रीज़न है कि भी 1 से 2 मिनट हुआ है तो इसलिए फील नहीं हो रहा है ज़्यादा। माइट बी कि आफ्टर 5 to 6 मिनट्स के बाद शायद हमें कुछ ना कुछ अभी फील होना शुरू हो जाएगा इसका अरोमा। बट हाँ, एक ग्लास है, एक अच्छा ग्लास मिल रहा है, जैसे कि वो शॉट्स ग्लास होते हैं ना ड्रिंक्स के, तो वैसा ही कुछ ग्लास है। तो ठीक है, बाद में कैंडल के बाद जब वो कैंडल यूज़ हो जाएगी तो उसके बाद एक ग्लास एज आप ड्रिंक के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हो, डेकोरेशन के पर्पज से यूज़ कर सकते हो, उसमें नकली प्लांट्स लगा सकते हो काइंड ऑफ। और हाँ, बट इसको ये है कि एक थोड़ा केयर से ज़रूर जलाना होता है कि लास्ट में जब ये ख़त्म होने वाला होता है ना, तो ब्लास्ट होने का भी एक रीज़न होता है कि ग्लास जो है वो ब्लास्ट हो सकता है ज़्यादा हीट से। तो जब बिल्कुल लास्ट में जब वो रह जाए ना, तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अवॉइड करना, उसको जलाना मत, आप वहीं पर उसको थ्रो कर देना, जितना भी वेस्ट बच जाएगा उसके अंदर, बाकी आप उस ग्लास को अच्छे से क्लीन करके उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही एक था बनाने का आज का पर्पज़, कि लेट्स सी कि कैसा है एक्चुअली ये, वर्थ है इसमें नहीं, मुझे तो नहीं अभी तक कुछ फील हुआ। बट हाँ, अभी एक और मैंने कैंडल जो है ऑर्डर की है, जब उसकी अनबॉक्सिंग करूंगी तो डेफिनेटली आपको पिछली कैंडल का भी मैं उस वक्त रिव्यू जरूर दूंगी इसी का ही, कि फ्रेगनेंस कैसी फील होती है। अभी हल्की हल्की सी, मतलब अगर मैं ऐसे ले रही हूँ ना, तो थोड़ा सा एक माइल्ड सा फ्लेवर मुझे फील तो हो रहा है, बाकी आई डोंट नो क्या है क्या नहीं। हाँ, बाकी ये भी है, देखो अगर आप इस ग्लास को, जब ग्लास कैंडल को यूज करो, तो मार्केट से एक नया वैक्स लेके भी उसको रिसाइकल करके तो थोड़ा सा एक नया बना सकते हैं। ये भी है इस ग्लास में, आप एक न्यू कैंडल भी उस तरीके से एक रीसाइकल के पर्पज से यूज हो जाएगा, तो वो एक मैं बोल सकती हूँ कि वर्थ जाएगा। 183 में आपको 3 ग्लासेस भी मिल रहे हैं, साथ कैंडल मिल रही है, और उसको नेक्स्ट पर्पज के लिए भी आप यूज कर सकते हो, मेल्टेड वैक्स को लेके या जर्नली वैक्स को लेके। तो लेट्स सी कैसा रहता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो, एंड होप आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू।